एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूँ सुनीता और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो गोवा के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, जिसका नाम है थ्री किंग्स चर्च। यस, जब आप गोवा के हॉन्टेड प्लेसेस का नाम टाइप करेंगे तो टॉप 10 में से इस जगह का भी एक नाम होगा। वी आर ऑन अ वे। एयरपोर्ट से आप सीधे यहाँ पे आ सकते हैं, कैब लेके। ये जगह कंसावलिम रोड पे है। कंसावलिम रोड से लेफ्ट साइड में एक छोटा सा हिल है। 3 या 4 किलोमीटर्स का एक रोड है जो सीधे आपको उस चर्च पर ले जाएगा। सो लेट्स गो। सो वी हैव रीच्ड टू द प्लेस। अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये सीढ़ियाँ, ज़्यादा बड़ा चर्च नहीं है, छोटा सा है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस जगह को और भी खूबसूरत बनाता है इसका व्यू। जो व्यू दिखता है यहाँ से वो इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं थ्री किंग्स चर्च। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो चर्च है गोवा के टॉप 100 प्लेसेस में से एक है। बट अब नहीं, अब यहाँ पे लोग आते रहते हैं, फंक्शंस होते हैं। एज यू कैन सी मेरे पीछे है ये चर्च और यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं। आज कोई फंक्शन है यहाँ पे और हम इस चर्च को करीब से देखेंगे। इस चर्च के पीछे एक स्टोरी है कि क्यों हॉन्टेड प्लेस है और क्या हुआ था ऐसा कि इस चर्च का नाम थ्री किंग्स चर्च पड़ गया। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाऊँगी। ये पूरा चर्च मैं आपको दिखाऊँगी। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चर्च, एक छोटे से पहाड़ पे इकलौता चर्च विद अ ब्यूटीफुल व्यू, विद अ ब्यूटीफुल सनसेट। और सिर्फ सनसेट को देखने के लिए शाम के वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। सो हम भी देखेंगे व्यू, सनसेट, एवरीथिंग आई एम गोना शो यू टुडे। सो लेट्स गेट गोइंग। कहते हैं कि पोर्चुगीज टाइम में 3 राजा थे जो यहाँ पे रूल करना चाहते थे, इस जगह पे कब्जा करना चाहते थे। उन तीनों राजाओं में से एक का नाम था होलगर, जिसने ये प्लान बनाया कि वो बाकी 2 राजाओं को मार डाले। तो होलगर ने एक दिन बाकी 2 राजाओं को खाने पे बुलाया और चुपके से उनके खाने में जहर मिला दिया ताकि वो दोनों खाकर मर जाए। तो एज ही प्लान, तो जैसे उसने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो दोनों राजा आए, उन्होंने खाना खाया और वो दोनों मर गए। इस बात की खबर यहाँ के आसपास के लोगों को पता चली तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो होलगर को भी मार डालेंगे। तो जैसे ही होलगर को इस बात का पता चला कि यहाँ के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, तो उसने भी वही जहर वाला खाना खा लिया और लोगों के मारने से पहले ही वो भी मर गया। तो जो लोगों ने देखा ये तीनों मर गए हैं, तो उन तीनों किंग्स को इसी चर्च में दफना दिया। तो कहते हैं कि उन तीनों राजाओं की जो आत्मा है वो यहीं भटकती रहती है। ये पहले की स्टोरी है। पहले बहुत डरते थे लोग यहाँ पे आने से। इनफैक्ट 6 बजे के बाद तो यहाँ कोई आता भी नहीं था। ये भी अफवाहें थी कि 6 बजे के बाद आने से यहाँ पे लोग पत्थर के बन जाएंगे, लेकिन एज यू कैन सी 6 बज चुके हैं और कितने सारे लोग आ रहे हैं एंड फंक्शंस हो रहे हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स हॉन्टेड एनी मोर। सो यू शुड विजिट दिस चर्च बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड जो व्यू आपने देखा सनसेट, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
सो दिस वॉज द स्मॉल स्टोरी कि इस चर्च का नाम थ्री किंग्स चर्च क्यों पड़ा. उन तीनों के बनने के बाद इस चर्च का नाम थ्री किंग्स चर्च रख दिया. और हर साल जनवरी 6 जनवरी को यहाँ पे एक छोटा सा फिस्ट फेयर होता है. बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे इन्हों मेले जैसा लगता है. बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं. और 6 जनवरी को सिर्फ एक ही दिन के लिए इस चर्च के दरवाज़े खुलते हैं. यहाँ पे मास होता है. सो अगर हम आ सकते हैं तो हम 6 जनवरी को ज़रूर आएंगे और मैं आपको ये फिस्ट फेयर भी ज़रूर दिखा दूँगी. सो दैट वाज अ स्मॉल स्टोरी अबाउट थ्री किंग्स चर्च. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन टेक केयर, बाय.